अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, जो इससे मेरी पिछली वाली वीडियो थी जिसमें मैंने कहा था कि मुझे कमेंट करो, मैं आप लोगों को गिफ्ट भेजूंगा, तो 6-7 लोगों ने मुझे कमेंट किया था। जैसे मैंने कहा था कि मैं दो बंदों को सिर्फ गिफ्ट भेज सकता हूँ, तो मैंने दो बंदों को भेज दिया, बाकी रह गए। सॉरी यार, क्योंकि मेरे पास डेली गिफ्ट रिमेनिंग भी ख़त्म हो चुके थे और मेरे पास वी बॉक्स भी इतने ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि मेरे पास 1500 या 1600 वी बॉक्स रह गए थे, इसलिए मैंने स्टोर से और वी बॉक्स परचेस कर लिए अपने लिए। 2500 के करीब मैंने वी बॉक्स परचेस कर लिए फिर से, क्योंकि मुझे भी सीज़न 7 का बैटल पास भी परचेस करना है और कुछ स्किन्स भी आ रहे हैं सीज़न 7 में, वो भी मुझे परचेस करने हैं, इसलिए मैंने और वी बॉक्स भी ले लिए। अभी एक नया स्किन आ रहा है स्टोर में, अभी तक नहीं आया है, बहुत काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्किन है वो बंदा है। के पास SMG था, फिर क्यों नहीं मार रहा था? पता नहीं। बंदे की आवाज आ, AP है एक बंदा, वो है ऊपर है। बंदे कहाँ पे है? बंदा है ये नीचे। क्या कर रहा है? रॉकेट से मार रहा था स्कॉर। एक बार फिलिंग स्कॉर भी लेंगे। बंदा आया यहाँ, वो बच गया, इल गया, वैसे मर गया था। एक वहां पे बंदा, ओह पीछे से काम कर रहा है। ये क्या बनाया? कहाँ पे बंदा? वो अभी भाग रहा है। ना मेरे पास कोई शील्ड है, ना कोई मेडकिट।
और रॉकेट आ गया, शिट मेरा हेल्थ भी गया। शॉटगन वहीं पे रह गया स्ट्रोम में, अभी जब मर जाऊंगा। छोड़ दो शॉटगन को एक बार, तो शील्ड पी लूं। शिट स्ट्रोम पांच बंदे, खेलते क्यों है दरमियान में। मटेरियल भी मेरे पास नहीं है, इसे नहीं लग गया ये कैसे। तो मटेरियल भी नहीं है वहां से, हेल्थ भी नहीं है। शील्ड कुछ भी नहीं है, मिनी स्टेज के पास बंदा कहाँ पे है। नो नो शिट गया मैं, एक एचपी रह गए मेरे। एक बार फिर से खेलते हैं, एक बार फिर से खेलते हैं यहाँ पे। चेंज करूँगा सब चीजें, और सीजन 6 भी एंड होने वाला है। सबसे अच्छी बात तो यही है कि एंड हो जाए जल्दी से, क्योंकि सीज़न 1 से लेके सीज़न 6 तक सबसे ज़्यादा नापसंद करने वाला सीज़न सीज़न 6 से। जब मैं फोर्टनाइट सीज़न 4 से खेल रहा था शुरू शुरू में, जब मैं खेलता था फोर्टनाइट सीज़न 4 में, तब मैंने फोर्टनाइट की रैंक चेक की थी तो फोर्टनाइट सेकेंड नंबर पर था प्ले स्टेशन के गेम में। पहले पे गॉड ऑफ वार था, सेकेंड पे ये था। और जब सीज़न 5 आया तो कुछ चांसेस ऐसे आए कि पहले नंबर पर शायद आ जाए, पर आया नहीं। पूरा सीज़न 5 सेकंड नंबर पे रहा, और जब सीज़न 6 आया तो एक हफ्ते बाद तीसरे पे आ गया। फिर ऐसे होते होते अभी सातवें पे आ गया है। अगर कुछ दिन और रहे सीज़न 6 तो इसे टॉप 10 से भी निकाल देगा, क्योंकि सीज़न 6 में ना मैप चेंज हुआ है, ख़ास वैसा ही मैप है जैसे सीज़न 5 में था। और बैटल पास बहुत ज़्यादा बकवास बैटल पास है इसका। जब मैंने इसका बैटल पास शुरू में देखा था तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, बिल्कुल भी नहीं। एक आउटफिट भी उसका ठीक नहीं है, एक आउटफिट भी। और सबसे ज़्यादा मसला तो पिंक का होता है, सबसे ज़्यादा मसला। जब सीज़न 5 में मैं हमेशा अपने दोस्तों के साथ स्क्वाड खेलता था, लेकिन अभी नहीं खेलता हूँ पिंक की वजह से। बहुत ज़्यादा पिंक का, बहुत ज़्यादा। मैंने बहुत देर से ही ना स्क्वाड खेला है ना डुअस, बस यही सोलो खेल रहा हूँ। पूरा पैराडाइज में बंदे कहाँ पे है, एक यही एक ही बंदा था, बंदे नजर ही नहीं आ रहे। रेस्ट ले के सब बंदे नजर ही नहीं आ रहे। एक तो बंदे भी नजर नहीं आते, फिर मजा भी नहीं आता। जब मैं सीजन 5 में अपने DSL में फोर्टनाइट खेलता था उस वक्त पिंक 130 तक आती थी, लेकिन DSL में सीजन 6 में 360 370 तक पिंक आती थी।
इसलिए मैंने अपना नेट भी चेंज कर लिया। अगर ये नेट सीजन 5 में होता तो 100 से कम आता पिंग। सीजन 6 में पिंग ठीक हो। बंदे कहाँ पे? मैं तो यहाँ से निकलूँ। स्ट्रॉन्ग भी आ रहा है। बंदे कहाँ पे छुपे हैं? ना लड़ाई की आवाज आ रही है ना क्या? किसी मार रहा है तू उस तरीके से। ओह शिट, मेरे स्कार रिलोड ही नहीं था। किल बहुत कम हो गए, बंदे नहीं नज़र आए कि कहाँ से करूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर पसंद आया तो लाइक करो और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों अल्लाह हाफिज़।